वेलकम बैक नाजीन, हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए बहुत मज़ेदार एक चाइनीज़ डिश गार्लिक चिकन। जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है नाजीन, एक बहुत ही मज़ेदार हेल्दी और क्विक टू मेक डिलिशियस एक स्टर फ्राइड रेसिपी हम अभी इसमें शामिल करेंगे। हमने अभी कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किए, आप हमें अभी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले क्योंकि गार्लिक चिकन है तो गार्लिक का काफ़ी इस्तेमाल है, 6 क्लोव्स हैं गार्लिक के। इसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक, और आप देखिएगा कि गार्लिक और जिंजर को, लहसुन अदरक को अगर आपने ज़्यादा पका दिया तो वो बिल्कुल बिटर और कड़वे हो सकते हैं, तो आपने 10 सेकंड से ज़्यादा उनको नहीं पकाना। जैसे ही आपने देखा, और स्पेशली हाई हीट पे स्टर फ्राइंग हमेशा की जाती है, और जैसे ही आपने देखा कि उनकी खुशबू आ गई, उस वक्त आप इसमें तीसरा इन्ग्रीडियंट शामिल कर दीजिए। इसमें हरा प्याज 1/2 कप, और नाजीन थोड़ा सा इसमें 1/2 टीस्पून नमक। अच्छा जी, अब इसमें आप शामिल करेंगे जो थिनली स्लाइस्ड चिकन बोनलेस, और उसमें आपने चिकन को फ्राई करना है। पतले पतले स्ट्रिप्स काट लीजिए, आप क्यूब में भी कर सकते हैं, लंबी स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, जैसे ही आपको ज़्यादा सहूलत हो। यहाँ पे अच्छी तरह आपने इसको स्टर फ्राई किया। नाजीन चिकन ऐसा मीट है, ऐसी प्रोटीन है कि उसमें एक तो ज़्यादा देर नहीं लगती पकने के वक्त, बनिस्बत उसके कि जो आप गोश्त या और कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं। लेकिन आप फौरन देखिएगा, जैसे ही आपने चिकन को शामिल किया, फौरन ही वो अपना रंग बदल देगा, पिंक से वाइट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वैसे भी ये छोटे पीसेज हैं, बाइट साइज़ हैं, तो इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। और स्टर फ्राइंग करते करते आपको हिलाते रहना ज़रूर है, ताकि इवनली सारी जो हीट है वो अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और नाजीन जैसे ही ये डिश तैयार होगी, मैं आपके लिए, आपके साथ वो रिसर्च शेयर करना चाहूँगी जिसमें वो पॉइंट्स हैं जो मेयो क्लिनिक में की एक वेबसाइट पे उन्होंने ये अभी आज ही इनफैक्ट मैंने पढ़ा है, और मैंने सोचा कि ये बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि डाइट प्लान्स की तो हमें जितना ज़्यादा हो उतने कम है, क्योंकि इतनी वैरायटी हो गई है, और लोग किस किस किस्म की डाइट्स ट्राई करते हैं, कई सक्सेसफुल होते हैं, कई नहीं सक्सेसफुल होते हैं, और कई तो काफ़ी यहाँ पे डाइट क्लिनिक्स भी खुल गई हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि वो सही नहीं है, लेकिन आपको अपना होमवर्क अच्छी तरह से अगर आप कर लें, तो अगर आप डाइट क्लिनिक पे भी जाएं तो आपको पता होगा कि ये डाइट आपके लिए सही है जो वो दे रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए आपकी सहूलत के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये चिकन बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, ये आपने देखा मैं हिलाती गई थी। और अब हम इसमें नाजीन शामिल करेंगे 1 अदद प्याज बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 शिमला मिर्च और 1/2 कप बंद गोभी बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड। ये तीनों सब्जियां आपने अच्छी तरह इसमें शामिल करनी है। और नाजीन ज़्यादा हमने सब्जियों को शामिल करके नरम नहीं करना, बिकॉज हमें उनका टेक्सचर रिटेन करना है, हमें उनको क्रंची और उनका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल फर्म रखना है। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो गई तो वो बिल्कुल मज़ा किरकिरा हो जाएगा डिश का, और डिश इतनी मज़े की नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपने बस हिलाते रहना है, और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट बस वेजिटेबल्स को इसी तरह फ्राई करना है, ताकि उनका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और चिकन भी पूरी तरह तैयार हो जाए। और नाजीन आपको जैसे मालूम है कि इसमें बहुत सी स्टीम होती है, जब आप तेल शामिल करते हैं स्टर फ्राइंग करने के लिए, तो साइड से आपको, आप देखिएगा कि बहुत सी स्टीम उठ रही होगी, और उस स्टीम से भी वेजिटेबल्स पक जाती हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा मज़ीद पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और नाजीन अब हम इसमें शामिल करेंगे सॉस, थोड़ा सा इसको और तैयार करने के बाद, 1 मिनट के बाद हम इसमें जो सॉस अभी हमने तैयार किया था आपके सामने, वो ये था ब्रेक पे जाने से पहले, मैं आपको दोबारा दोहरा दूंगी। 1 कप चिकन स्टॉक था नाजीन, 2 टीस्पून उसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर के थे, 1.5 टेबल स्पून उसमें चीनी, और 3 टेबल स्पून सोया सॉस, और वो मिक्सचर हमने ऑलरेडी बना के तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही आपने देखा कि वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं, हम उसमें शामिल करेंगे।
बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टू मेक नाजीन। इसको आप एग फ्राइड राइस के साथ एक्सक्यूज मी भी इंजॉय कर सकते हैं और ऑफ कोर्स स्टीम्ड राइस के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसमें अब डालना है सॉस, बीच में आपने सॉस डालना है और साइड में सारी वेजिटेबल्स और चिकन होंगे, और आपने जैसे ही आप हिलाते गए उस तरह सॉस बिल्कुल थिक होता जाएगा, और थोड़ी सी हमने ग्रेवी ज़रूर रखनी है। अच्छा जी, इसको आपने अच्छी तरह आप इसको हिलाते गए यहाँ पे यूँ, और ये देखें कितनी जल्दी कितनी झटपट ये ज़बरदस्त डिश जो आप दावतों में भी बना सकते हैं बिल्कुल तैयार है। ये नाजीन ज़्यादा आपने सॉस को थिक नहीं करना, थोड़ा सॉस इसमें ज़रूर रहेगा ताकि आप इसको चावलों के साथ खूब इन्जॉय करें। और इसको जो लोग नहीं चावल खाना चाहते वो इसको बग़ैर चावलों के भी उतना ही ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं, बिकॉज इसमें उनको वेजिटेबल्स भी मिल रहा है और प्रोटीन भी। तो नाजीन मैं अब चूल्हा बंद करूँगी और ये बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। इसमें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की जो इसकी जो ग्रेवी है उसकी पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो ड्राई हो जाएगा और उसमें बिल्कुल सॉस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें सॉस बिल्कुल रखना है। तो मैं आपके लिए यह सर्व करूँगी, और थोड़ा सा नाज़रीन इस पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी है, तो हम इसको थोड़ा सा वाइप क्लीन करेंगे अच्छी तरह हैंकीज टिश्यूज़ के साथ, जो नाज़रीन बहुत जिनमें बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट पावर है और अब आजकल हर जगह सुपरमार्केट्स में आसानी से दस्तयाब हैं, बहुत इकोनॉमिकल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, हम इसमें इसको सर्व करेंगे गार्लिक चिकन को, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही मज़ेदार, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ पावर, लेस ऑयल, योर डिश टू गुड हेल्थ। और नाजीन इसकी कैलोरीज भी आप नोट कर लीजिए, 240 ग्राम्स, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक एडल्ट की कैलोरी काउंट जो दिन में उनको एवरेज हेल्दी बैलेंस डाइट के हिसाब से लेनी चाहिए वो है 2100 कैलोरीज, और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इन्हीं कैलोरीज के दरमियान अपना डेली इंटेक रखें और उसी के मुताबिक अपनी डेली डाइट प्लान करें, और अपना डेली जो खाना आपका जो घर में तैयार होता है वो आपके कैलोरी काउंट के मुताबिक हो, तो फिर तो कभी आपको कभी वेट प्रॉब्लम और कोई और ऐसे इश्यूज नहीं होंगे, और हेल्दी खाना भी होगा, कैलोरी आपके उसमें मुताबिक रहेगा और हेल्दी भी रहेगा और परफेक्ट भी रहेगा, और आप हमेशा अमेजिंग हेल्थ एंजॉय करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके आपके लिए तैयार करेंगे वाटरमेलन फ्रेस्का, और आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ डाइट की टिप्स, तो कहीं मजा आएगा। स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक।